The Excellent English Academy. Today we will read the use of present continuous tense. आज हम लोग देखेंगे कि present continuous tense का कहाँ यूज करेंगे. पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था present continuous tense का identification कैसे पहचानेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़े थे, कहाँ उसका नोट्स सर्टेन नोट्स था कि कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना है. लेकिन आज हम लोग ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, सिक्स टाइप का स्ट्रक्चर. लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि आखिर इस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ. जनरली ये क्वेश्चन आपको जब तक नहीं आएगा तब तक कहाँ यूज करेंगे, तलवार है और कहाँ पर चलाना है ये नहीं आता है. तो आपको सिचुएशन भी पता होना चाहिए, इसीलिए आज हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे. ओके, लेट अस सी. पहला, फॉर टेम्पररी एक्शन. For temporary actions in the present, for the temporary actions in the present. वैसा कोई एक्शन जो अभी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे इंडिया में COVID-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, मान लीजिए कहीं बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है. तो जो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं हो, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल, इंडिया इज फेसिंग कोविड 19 दिस डेज. आजकल इन दिनों इंडिया COVID-19 के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. दूसरा, एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अलियापुर मुजफ्फरपुर. मैं इस समय टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो हम लोग इसका अलियापुर मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं. नाउ सेकेंड इज फॉर एक्शंस हैपनिंग at the time of speaking, जो बोलने के टाइम हो रहा है. जैसे मान लीजिए कि हम अभी कुछ बोल रहे हैं और कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश हो रहा है, इसका हम लोग भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. It is raining cats and dogs. Her brother is reading novel. Her brother is reading novels. यहाँ पर देखें, it is raining cats and dog. अभी हम बोल रहे हैं और अभी बारिश हो रही है, तो इसके लिए हम लोग भी present continuous tense का use करेंगे. Next, इसी का एक और example, her brother is reading novel. अभी हम बोल रहे हैं कि उसका भाई novel पढ़ रहा है, तो जो अभी हम बोलने के time हो रहा है उसके लिए भी करेंगे. Third, for actions not happening, at the time of speaking. इसका मतलब है कि for actions वैसे काम जो अभी बोलने के टाइम नहीं हो रहा लेकिन इन दिनों चल रहा है. जैसे मान लीजिए कि रोड
का कंस्ट्रक्शन जारी है या पल्स पोलियो का अभियान है या जो भी प्रॉब्लम है जो काम चल रहा है लेकिन दिन में चलता है रात को तो नहीं चलता है। तो ऐसे कामों के लिए अगर हम रात में किसी को बता रहे हैं या बोल रहे हैं तो वैसे कामों के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। देखिए ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ अ डेज दीज डेज These days, he is reading a novel these days. आजकल वो एक नोवेल पढ़ रहा है। रात को हो सकता है रात को नहीं पढ़ता हो दिन को पढ़ता होगा। India is exporting HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन जिस दवा की अभी डिमांड बहुत बड़ी है दूसरे देशों के एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया ताकि वहां पर COVID-19 के प्रॉब्लम को फेस किया जा सके उसमें यूज किया जा सके। तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन टू USA USA को क्या कर रहा है एक्सपोर्टिंग कर रहा है। आज कल हो सकता है मान लीजिए जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय एक्सपोर्टिंग नहीं कर रहा लेकिन उससे पहले कर रहा था या कर रहा है दिन में करता है रात को नहीं करता है। ये है ये हम लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट यूजेस भी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ यूजेस हम लोग फोर्थ यूजेस देखेंगे फॉर एक्शंस डेफिनेटली प्लान प्लान फॉर नियर फ्यूचर जो प्लान है फिक्स है कि इन कुछ दिनों के बाद होगा उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ मैं अगले मंथ दिल्ली जा रहा हूं इसके लिए भी I am going. To buy a computer tomorrow. मैं कल एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूं। इस तरह का सेंटेंस में देखिएगा नेक्स्ट मंथ या टुमारो ये ऐसा वर्ड्स होता है जो फ्यूचर टाइप को डिनोट करता है जैसे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर ये सभी वर्ड्स फ्यूचर प्लान को दिखाता है। फिफ्थ फॉर परसिस्टेंट एक्शंस वैसा काम वैसा व्यवहार वैसा वर्क जो लगातार हो रहा है। एक बार समझाते हैं बच्चे को फिर से प्रॉब्लम पूछते हैं तो जो लगातार हो उसके लिए भी हम लोग परसिस्टेंस इट मींस लगातार कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके एग्जांपल सी इज ऑलवेज आस्किंग अ क्वेश्चन She is always
nonsense. Creating nonsense. वो हमेशा क्लास में बदतमीजी करता है. ये सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन. वो हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है, बता देंगे क्वेश्चन पूछेगी. तो इस टाइप का जो लगातार होता रहे वैसे के सेंटेंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. और ही इज ऑलवेज क्रिएटिंग अ न्यू नॉनसेंस. वो हमेशा क्लास में एक मतलब नॉनसेंस क्रिएट करता है. अब हम लोग एक जो फर्स्ट रूल लिखे थे उसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे. नोट कर लें, वी जनरली डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक एट दिस टाइम एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट now a days etc in present tense but we use it with present continuous tense. ओके, पीसीटी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके डियर्स, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसंस व्हाट आई हैव टॉट माइन्यूटली. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे रिप्लाई करिए. सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दिस यूजेस, प्लीज डिफाइन इट अगेन. और उम्मीद है कि आप जरूर पूछेंगे. और सभी आदमी लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए. और इस चैनल को जितना बढ़ाइएगा आपका फायदा होगा और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगी. थैंक यू.